शंभो शिव शंभो शंभो भो शंभो शिव शंभो। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं 15 से 21 के बीच में, तीसरा सप्ताह है ये इस महीने का। हम साप्ताहिक राशिफल की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा। चर्चा है आपकी जिंदगी के बारे में, आपके भाग्य के बारे में, कैसे आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, कैसे आप अपने किस्मत को और अच्छा बना सकते हैं। ये जानकारी आपके बहुत काम की हो सकती है अगर आप इसको सुनते हैं एक मिनट के लिए। ये जो L6 का लॉकेट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये लॉकेट नहीं है, ये शक्ति है, ईश्वर की शक्ति। इसमें जो 3 रत्न लगे हुए हैं ये बेशकीमती रत्न हैं। इन रत्नों के अंदर वो ताकत है जो आपके भाग्य को बदल सकती है, सौभाग्य की तरफ ले जा सकती है। ये रत्न आपकी हर समस्या का समाधान आपके सामने ला के रख देंगे। ये रत्न आपके भाग्य को चमकाएंगे, आपकी किस्मत को चमकाएंगे और आपको सफल बनाएंगे। ये रत्न पहनने के बाद आप तंत्र मंत्र भूत बाधा से दूर रहेंगे, किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति, बुरे लोग, बुरी आदतों से बचे रहेंगे। दिमाग तेज होगा, बुद्धि तेज होगी, पैसा कमाएंगे और पढ़ाई अच्छी करेंगे और माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। इस L6 के लॉकेट में बहुत सारी ताकत है, ये ताकत से भरा हुआ लॉकेट है, इसको जरूर पहनिए। और इसका कोड है L6, 1750 रुपये इसकी कीमत है। आप अभी ऑर्डर करके इसको मंगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। सप्ताह के आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे होंगे या आपके लिए भी जानना उत्सुकता होगी और मुझे आपको बताकर बहुत खुशी होगी कि आगे आने वाले 7 दिन आपके साथ कैसे बीतेंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं साप्ताहिक राशिफल का और जानते हैं अपने सप्ताह के एक एक दिन का पूरा हाल। आइए शुरुआत करते हैं आपकी राशि से। बात करेंगे सिंह राशि की। सप्ताह के शुरू में परिवार से संबंधित मुद्दों को लेकर परेशानी हो सकती है। परिवार में शांति और खुशहाली बनाए रखने में ही आपकी भलाई रहेगी और आपको इसके लिए कोशिश भी करनी होगी। अचानक से धन प्रवाह होने से पारिवारिक सदस्यों में खुशी होगी। धन का बढ़ना परिवार की जरूरतों को पूरा करेगा। सप्ताह के मध्य के दिनों में सामाजिक गतिविधियां और उद्यमी गतिविधियों में आपके लिए सुखद रहेंगी। लोग आपकी की कुशलता और प्रबंधन की छिपी हुई प्रतिभा की सराहना करेंगे, आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। आपको स्नेह मिलेगा, रिश्तेदारी, दोस्ती यारी, भाई बहनों का प्यार मिलेगा। सप्ताह का अंतिम भाग संकेत दे रहा है कि आप अपनी माता की सेहत की चिंता से थोड़े से परेशान रहेंगे। कुछ घरेलू मुद्दों को लेकर आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। बात करेंगे 15 अप्रैल की। दिन शुक्रवार। आज आप जोश और हिम्मत से कुछ ऐसे काम करेंगे जो काफी मुश्किल होंगे लेकिन आप कर लेंगे। यात्राएं होंगी, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। यदि आप एक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसे स्थगित कर दें। आपके आपके संबंध जीवन साथी से अच्छे रहेंगे लेकिन प्रेम संबंधों में तनाव संभव है। 16 अप्रैल दिन शनिवार। आज कड़ा संघर्ष करने का दिन है जिसके कारण आपको तनाव और थकान दोनों हो सकती है। आपके छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको मिलेगा। अपने आत्मविश्वास को बना के रखिएगा। आज आपको खूब मेहनत करनी पड़ सकती है इसलिए धैर्य बना के रखिएगा। सभी कामों को चालू रखें, कोई भी काम बिना सोचे समझे शुरू या बंद ना करें। पैसा कड़ी मेहनत से प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। आपके बच्चों से आपको खुशी मिलेगी। बच्चों के करियर का अच्छा दिन रहेगा। 17 अप्रैल दिन रविवार। आप थकान और आलस के शिकार होंगे। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपके द्वारा लिया गया हर एक कठिन निर्णय आपसे कठिन मेहनत करवाएगा। आपको धन कठिन मेहनत से प्राप्त होगा। जीवन साथी से आपके रिश्ते मधुर बने रहेंगे। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। घर में खुशियां रहेंगी। घर में खूब पैसा आएगा जिससे आप सभी की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। परिवार में खुशहाली रहेगी।
18 अप्रैल सोमवार का दिन कड़ा संघर्ष का दिन, जिसके कारण आप तनाव और थकान ग्रस्त हो सकते हैं। आपके छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आप अपनी हिम्मत से जो भी निर्णय लेंगे उसको पूरा करने के लिए खूब मेहनत करेंगे, अपने धैर्य को बनाए रखिएगा, अपने सभी कामों को चालू रखिएगा, पैसा कड़ी मेहनत से प्राप्त होगा, जीवन साथी से संबंध बढ़िया रहेंगे, आपके बच्चे आपको खुश कर देंगे, आज गरीब हो या अमीर हो सभी के घर में खुशियाँ आएंगी, देश विदेश में रहते हो वहां पर भी खुशियां आएंगी, विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे, कुछ लोगों का दिल किसी विदेशी महिला के साथ जुड़ सकता है। 19 अप्रैल दिन मंगलवार, आज का दिन आप तनाव और समस्याओं से मुक्ति पालेंगे, आज का दिन आप परिवार और मित्रों के साथ आनंदित रहेंगे, आप किसी सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक उत्सव में भाग लेंगे, कोई नया वाहन खरीदने का आपका मूड बन सकता है, आप माता पिता से धन प्राप्त कर सकते हैं, आपके संबंध आपकी माता जी से शुभ बने रहेंगे, आपकी जमा पूंजी में वृद्धि होगी। 20 अप्रैल दिन बुधवार, आप अपनी माता जी का साथ और सहयोग पाएंगे, यदि आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो दिन बढ़िया रहेगा, यदि आप अपनी जरूरत का सामान खरीदना चाहते हैं तो दिन बढ़िया रहेगा, घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन बढ़िया रहेगा, आप परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे, जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे, घर की देखभाल में पैसा खर्च करेंगे, घर की चीजों को सही कराने में पैसा खर्च करेंगे, घर की जो वाहन इत्यादि है उनको दुरुस्त कराएंगे, कुछ नया इंटीरियर कराने की कोशिश कर सकते हैं, परिवार में सुखद माहौल रहेगा, खर्चा होगा लेकिन ये खर्चा सभी का प्रिय होगा, यानी आप अपनी जरूरतों पे खुशी से पैसा खर्च करेंगे, शाम को भगवान के मंदिर जाना हो सकता है। 21 अप्रैल दिन गुरुवार, आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए अच्छा है, नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन में प्रसन्नता उत्साह बना रहेगा, किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग ले सकते हैं, व्यापारियों को व्यापार में अच्छा लाभ मिलने वाला है, लंबी यात्राएं लाभकारी रहेंगी, खेलकूद में आप अव्वल रहेंगे, आपका प्रदर्शन हर जगह पर आपको नंबर वन रखेगा, यह दिन भी आपके लिए बेहतरीन कहा जाएगा, नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है, इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है, आपके बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, दुश्मनों से दोस्ती फिर से हो सकती है। तो आपको 84% शुभ लाभ मिल रहा है इस सप्ताह में, 4 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। आपने पूरा सब कुछ जाना कि एक एक तारीख कैसे बीतेगी, कब क्या होगा, उपाय जाना, भाग्य प्रतिशत जाना, शुभ अंक जाना, अब एक काम और आप करते जाइए, ये L6 के लॉकेट को ऑर्डर करते जाइए, क्योंकि जब तक ये L6 का लॉकेट आपके पास है तब तक आपके पास ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर की रक्षा है। अब बात करते हैं उपायों की। सबसे सरल उपाय है हनुमान चालीसा प्रतिदिन सुबह शाम पढ़िए, इससे सरल और सस्ता उपाय कोई भी है, बस हनुमान चालीसा पढ़कर पीपल के वृक्ष की सेवा करके आप बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं और आपके जीवन की हर खुशी ईश्वर आपको दे देंगे। तो ये सप्ताह आपका मंगलमय बीते, इसी शुभकामनाओं के साथ हरिओम, नमस्कार।